नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय फेसबुक पेज पर लाइव आया हूं, बहुत ज़रूरी बातचीत करना चाहता हूं। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग लाइव आए हैं। एक बात से तो मैं खुश हूं, बगैर टेलीविज़न अखबार के, सोशल मीडिया के जरिए इस देश का जो बहुजन समाज है वो तेज़ी से एकजुट हो रहा है, बहुत तेज़ी से एकजुट हो रहा है। और अब वो दौड़ गया जब कोई हमें मार के चला जाता था और हम बात नहीं करते थे, संवैधानिक तरीके से हम उसके खिलाफ सड़कों पर खड़े हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं। एक ये बड़ा बदलाव हुआ है। दूसरा बड़ा बदलाव है कि हम अपने हक अधिकार को लेकर भी सचेत हो रहे हैं। SC ST एक्ट बहाल हुआ, उसके बाद 13 पॉइंट रोस्टर बहाल हुआ, नीट में OBC को आरक्षण दिलवाया। और इसमें एक बात और साफ है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इनिशिएट कर रहे हैं, उनके हाथ में लीडरशिप है। OBC की भागीदारी बढ़ रही है, उस पर और काम करने की ज़रूरत है। शेड्यूल ट्राइब की भागीदारी बढ़ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। 90% मुस्लिम समाज के लोग जो माइनॉरिटी हैं वो भी OBC में हैं, सिख समाज के लोग वो भी OBC में हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग वो भी OBC में हैं, उनको जोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि क्रिश्चियन में शेड्यूल ट्राइब के भी लोग हैं, उनको भी जोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन मैं कुछ और बात भी आज करना चाहता हूँ, हो सकता है आप लोग को आलोचना लगे। इस देश में जो मनुवाद है जिसकी वजह से जातियाँ आई, इस देश में जो मनुवाद है जिसकी वजह से कर्मकांड आया, और इस देश में जो मनुवाद है जिसकी वजह से इस देश के 90% आबादी शोषित वंचित हैं, स्कूल से दूर हैं, एजुकेशन से दूर हैं, जाति व्यवस्था की वजह से बिजनेस से दूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, वो सब मनुवाद से आया। मनुवाद, मनुवादियों से, ब्राह्मणवादियों से। तो इसके खिलाफ लड़ कौन रहा था? इसके खिलाफ लड़ रहे थे बुद्ध, उसके बाद गुरु नानक साहब, उसके बाद कबीर साहब, रविदास, संत शिरोमणि रविदास महाराज, उसके बाद फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज। एक लंबी कड़ी है मान्यवर कांसीराम तक, और आज भी पॉलिटिकल लीडरशिप भी, चाहे मायावती हो या लालू यादव हो, करुणानिधि, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, ये सब लड़ रहे हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन जो बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी वो बुद्ध ने लड़ी, गुरु नानक साहब ने लड़ी, गुरु गोविंद सिंह जी साहब, मैं फिर कह रहा हूँ, गुरु गोविंद सिंह साहब ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी है उसमें सिर्फ एक मुगलों से है, बाकी उनकी लड़ाइयाँ मनुवादियों से है। मैं आज क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाथरस में बहुजन बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, मनुवादियों ने रैली किया, धरना किया, क्या सिंघू बॉर्डर पर जो हत्या हुई है उसके खिलाफ क्या किसी ने कोई रैली, उसके पक्ष में रैली की है, धरना किया है? और रही बात कुछ लोगों ने जो सम्मानित किया आरोपियों को, तो जनरल डायर को भी जिन लोगों ने सम्मानित किया था उसको भी कचरे के डब्बे में डाला गया। इस देश में मनुवाद रोकने का, इस देश में जो लोग चाहते हैं कि एक धर्म की सत्ता हो, संविधान ने आपको सबको आजादी दिया है कि हर कोई हर किसी धर्म को मान सकता है, तो इस देश में संविधान देता है अधिकार कि हर धर्म के लोग, हर कैटेगरी के लोग रह सकते हैं। और सिखिज्म जो है वो एक बड़ा रोड़ा है, जो लोग का सपना है कि ये देश सनातन धर्म बने। हिंदू तो हम सब लोग हैं, SC ST OBC की बहुसंख्यक आबादी से हिंदू है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको सनातन बड़ा सवाल है, और उसमें सिखिज्म एक रोड़ा है, उनके लिए सिखिज्म एक रोड़ा है। और मैं गुरु नानक साहब के जो रास्ते थे, न कोई रेस है न कोई कास्ट है, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। पहनाने गया था, सुबोध सिंह की हत्या हुई थी यूपी में, और हत्या के आरोपी को मंत्री बना दिया गया। तो सोचिए, कठुआ में गैंगरेप हुआ था और उसके बाद उसके रेपिस्टों के पक्ष में धरना प्रदर्शन हुआ था,
हाथरस में बहुजन बेटी के साथ गैंगरेप के बाद मर्डर हुआ था और उसके पक्ष में पंचायतें हुई थी, यूपी के जो जो दोषी ठहराए गए हैं सेंगर बीजेपी के विधायक जिन पर रेप का आरोप सिद्ध हो गया था उसके पक्ष में रैलियां हुई थी। तो एक बात तो है कि सिख समाज के लोगों ने अब तक कोई इस तरह के काम नहीं किए हैं, उन्होंने कंडेम किया है, आरोपियों की स्मूथली गिरफ्तारी हुई है। तो दो चीजें समझनी पड़ेगी कि आप एक डंडे से सबको नहीं हांक सकते हैं, और कंडेम कर रहे हैं लोग, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, एक कॉन्स्पिरेसी की भी बात सामने आ रही है कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है इसमें। तो सवाल है कि आज अगर एक राष्ट्र की हम लोग परिकल्पना करते हैं, लेकिन जो लोग एक धर्म की परिकल्पना कर रहे हैं उसमें क्रिश्चियन ईसाई बुद्धिस्ट राह में रो रहा है, और जिस तरह से इस सरकार की बनावट रही है, जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी होती रही है, गोलियां चलती रही है, जाटो का आंदोलन था उनको गोली मारी गई, पटेलों ने आरक्षण मांगा उनको गोली मारी गई, मराठाओं ने मांगा उनको नहीं दिया गया, गुर्जरों ने मांगा उनको गोली मारी गई, तो हमेशा से जातियों में लड़ाया गया है लोगों को, ये तो देखने में मिला है। तो ये भी समझना पड़ेगा, और मेरी राय है कि हमें धैर्य रखना पड़ेगा और जो आरोपी हैं उनको सजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला हो, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, सीबीआई जांच हो। लेकिन पॉलिटिकल चुप्पी से मुझे ऐतराज है, पॉलिटिकल चुप्पी, खासकर जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से लोग उम्मीद लगा रहे थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नितिन राउत का सिर्फ बयान आता है, जो महाराष्ट्र के बिजली मंत्री भी हैं और एससी सेल के चेयरमैन भी हैं, लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी की लगातार चुप्पी है, एक एससी कोटे से विधायक बने चन्नी साहब की चुप्पी है। एटलीस्ट उनको कहना चाहिए था कि आरोपियों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आरोपी कह रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए, आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। सोचिए किस तरह की कॉन्स्पिरेसी की गई है, जिस तरह से धर्म ग्रंथ की बेअदबी का आरोप लगा था, उसके बाद से सिख समाज के लोगों ने जो धैर्य दिखाया है वो सैल्यूट के लायक है। उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन मोर्चा कुछ नहीं किया है, उनको पता है कि आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसको डिरेल करने के लिए कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। आरोपियों की गिरफ्तारी स्मूथली हुई है, उनकी गिरफ्तारी है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन जो पॉलिटिकल चुप्पी है वो अखरता है, चाहे वो तेजस्वी यादव जी का हो, चाहे अखिलेश यादव जी का हो, चाहे वो हेमंत सोरेन का हो, देश भर के। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की यूनिटी बन रही है, और इसको लीड शेड्यूल कास्ट के लोग कर रहे हैं, इसकी लीड। अब देखिए एक कोई है जो कह रहा है कि बांग्लादेश हिंसा पर कुछ बोलोगे, इनसे पूछिए कि बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उस पर भी भारत सरकार को बोलना चाहिए। इनको बांग्लादेश की चिंता है लेकिन इनको भारत में जो हो रहा है उसकी चिंता नहीं, ऐसे लोग को पहचानिए। मैं फिर कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, यूपी में चुनाव है, कई सारे क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए, बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है धर्म के आधार पे, जम्मू कश्मीर में जो बाहरियों को और मारा जा रहा है धर्म के आधार पे और रीजन के आधार पे, कुछ लोगों का कैरेक्टर रहा है कॉन्स्पिरेसी मेकिंग का, समझने की कोशिश कीजिए। एक ही पार्टी की सरकार में बहुत सारी घटनाएं होती है, वो इंडिकेट करता है। संसद पर हमला वाजपेयी की सरकार थी, पुलवामा अटैक बीजेपी की सरकार थी, करगिल वाजपेयी की सरकार थी। किसी ने ठीक कहा है कि सीमा पर तनाव है, पता करो कहीं चुनाव तो नहीं है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये तुम देखो। मैं बांग्लादेश मेरा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान मेरा मुल्क नहीं है, मैं भारत का हूं,
भारत में क्या हो रहा है वो मैं जानता हूं। एक बार अमेरिका और वियतनाम में युद्ध हो रहा था, मोहम्मद अली साहब को कहा गया कि अमेरिका के तरफ से वियतनामियों से लड़िए। उन्होंने कहा था मैं पहले उन सोयतों से लड़ूंगा जिन्होंने मुझे गुलाम बनाया है, मैं उन वियतनामियों से क्यों लड़ने जाऊं जिनको मैं जानता तक नहीं हूं। बांग्लादेश में जो रह रहे हैं वो अपनी आवाज उठाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पर उनकी आवाज उठेगी। मैं अपने पहले घर की बात करूंगा, पाकिस्तान में महंगाई है वो तो दिख रहा है तुम्हें, भारत में महंगाई पर आग लगी है ये दिख रहा है क्या? ये कब बोलोगे? आज प्रेस क्लब पर सवर्ण समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे मीडिया के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। ये वही लोग थे जब एक महीना पहले मैं मिला था और मैं इनसे पूछा कि निजीकरण के पक्ष में या खिलाफ है, तो मुझे नहीं बोलना है, मुझे सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब है। मॉब लिंचिंग ठीक है कि खराब है तो मुझे नहीं बोलना है। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण अच्छा है खराब है मुझे नहीं बोलना है। तो भैया बारिश सबकी आएगी एक एक करके। वो वीडियो देखिए नेशनल दस्तक पर लगा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं बहुत कॉन्स्पिरेसी का दौर है, हमें सब कुछ समझना पड़ेगा, समझ बूझ के बात करनी पड़ेगी। लेकिन एक जो ताकत शेड्यूल कास्ट के लोगों ने दिखाई है इस देश में और जो बहुजन समाज की यूनिटी बन रही है और सोशल मीडिया में जो उसकी भूमिका है और दर्जनों चैनल्स यूट्यूब वेबसाइट पत्रकार जो काम कर रहे हैं उन सबको सैल्यूट है। और मैं फिर कह रहा हूं 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी, शोषित वंचित समाज के की आवाज जो है वो देश को दुनिया में फैल रही है। तो अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप हत्या भी करेंगे, आप अपराध भी करेंगे, आप अधिकार भी छीनेंगे और आप बच जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। कान खोलकर सुन ले, इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ अब अत्याचार नहीं होगा, मनुवाद का खात्मा तय है। कोई भी मनुवाद करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ बहुजनों को खड़ा होना चाहिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं जो सिंघू बॉर्डर पे हुआ है और जिस तरह के गंभीर आरोप हत्या के आरोपियों ने लगाया था, सिख समाज के लोगों ने जिस धैर्य के साथ उसको खारिज किया है वो दिखाता है कि वो गुरु नानक साहब और गुरु गोविंद सिंह साहब के विचारों को मानते हैं। और उन्होंने साफ साफ इसको कॉन्स्पिरेसी बताया है। मुट्ठी भर लोगों की बातें छोड़ दीजिए, लेकिन सोचिए हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ था उसके चलते पंचायतें हुई थी, जातीय पंचायत हुई थी। इस देश में एक जाति एक सच्चाई है, इस देश में कृषि प्रधान देश नहीं है, जाति प्रधान देश है। उसके लिए काम करना पड़ेगा, जातियां खत्म करनी पड़ेगी, संविधान सबसे ऊपर होगा। इस देश का संविधान ही सबको अपने धर्म के हिसाब से रहने खाने पीने पहनने ओढ़ने की आजादी देता है। मेरा किसी धर्म से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी है मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से, जातिवाद से, भेदभाव से, कोलिजियम सिस्टम से, आरक्षण विरोधियों से। जो संविधान के खिलाफ हैं वो इस देश के खिलाफ हैं। इस देश का संविधान सबको अधिकार देता है। जो भी बात करते हैं कि ये एक धर्म का देश होगा वो अपराध कर रहे हैं। इस देश में हर धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है, मैं फिर कह रहा हूं। और कश्मीर में जो हो रहा है उस ट्रेंड को समझिए। 2014 से पहले आतंकी हमला होता था, सरकार जिम्मेदार, चाइना का घुसपैठ सरकार जिम्मेदार, जातीय हिंसा सरकार जिम्मेदार, महंगाई सरकार जिम्मेदार। लेकिन 2014 के बाद इन सबके लिए इस देश की जनता जिम्मेदार है, सरकार नहीं जिम्मेदार है। ये मीडिया की चाल समझिए। जो मीडिया किसान आंदोलन को नहीं दिखाती है, जो मीडिया हाथरस केस में आरोपियों के साथ थी, जो मीडिया एससी एसटी एक्ट पर शेड्यूल कास्ट के खिलाफ थी, जो मीडिया आदिवासियों के खिलाफ है, जो मीडिया पिछड़ों के खिलाफ है, जो मीडिया लालू यादव मुलायम सिंह यादव के खिलाफ है, मायावती के खिलाफ है, वो मीडिया एकाएक दलित ही तैसी बनने लगे ना तो कॉन्स्पिरेसी की बू आती है। मैं बार बार कह रहा हूं मीडिया जब भी आपको अपने फेवर में दिखे
तो समझ लीजिए कि कोई बड़ा खेल है। लगातार कोशिश हो रही है कि किसान आंदोलन से शेड्यूल कास्ट को लड़ाया जाए, क्योंकि देश में सबसे बड़ी आबादी शेड्यूल कास्ट की है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी धर्म अगर अमानवीय है, कोई भी धर्म, लेकिन उसके सबूत आने चाहिए पुख्ता। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, सिख समाज के लोगों ने खुलकर उसकी निंदा की है, भर्त्सना की है, कोई उसके समर्थन में रैली प्रदर्शन नहीं हुआ है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और मैं इस बात से अब मुझे लग रहा है कि हम लोग जो लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी, शेड्यूल कास्ट के लोग जिस तरह से एकजुट हैं, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को और एकजुट करना है, और ये देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, संविधान के हिसाब से। और इस देश में बामसेफ जैसे संगठनों की जरूरत है, जो संविधान की बात करता है, जो कर्मकांड के खिलाफ है, जो जातिवाद के खिलाफ है, जो किसी भी तरह के आडंबर के खिलाफ है। इस देश में सोशल मीडिया ने बहुजनों को जोड़ा है, और इससे उम्मीद है कि आने वाला समय 21वीं सदी संविधान का होगा, ये देश मजबूत बनेगा। लेकिन पॉलिटिकल चुप्पी मुझे खलती है, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, चन्नी साहब की पॉलिटिकल चुप्पी मुझे खलती है, अखिलेश यादव की, तेजस्वी यादव की, हेमंत सोरेन की, स्टालिन की। हमें पॉलिटिकल चुप्पी तोड़ना पड़ेगा, और जिसके साथ भी अन्याय हो उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो अन्याय जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर भेदभाव हो, और किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे जो भेदभाव करता हो, जो छुआछूत करता हो, वही मनुवादी है। चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, या बिजनेस हो, कहीं भी जातिवाद हो रहा है, धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन सिंगू बॉर्डर पर जो जघन्य हत्या हुई है, उसकी निंदा होनी चाहिए, आरोपियों की गिरफ्तारी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला हो, पीड़ित को मुआवजा मिले, और यह देश सभी लोगों का देश है, सभी धर्मों का देश है, ये समझना पड़ेगा। और जहां भी मनुवाद है उसके खिलाफ बात करनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, मनुवाद के खिलाफ लड़ाई बुद्ध ने शुरू की है, तथागत बुद्ध ने शुरू की है, उसको संत शिरोमणि रविदास जी महाराज हों, चाहे गुरु नानक साहब हों, चाहे गुरु गोविंद जी साहब हों, चाहे कबीर हो, रविदास हो, फूले प्रियार अंबेडकर साहू जी महाराज हो, एक लंबी परंपरा है, चाहे वो सुनेलाल पटेल हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, चाहे जगदेव बाबू हो, चाहे मान्यवर कांसी राम साहब, इन लोगों ने आगे बढ़ाया है। मैं फिर कह रहा हूं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों की जो एक जुड़ता है, वो लीडरशिप लेना चाहिए उनको। ओबीसी जुड़ रहा है, ट्राइबल पर काम करने की जरूरत है, माइनॉरिटी पर काम करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि हम एक दिन कामयाब होंगे, और हम जाति, धर्म, लिंग, रंग से ऊपर उठकर एक बेहतर मुल्क बनाने में कामयाब होंगे। हमें हर तरह के शोषण और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि हमें कोई भी बदलाव बंदूक के नोक पर नहीं चाहिए, हमें कोई भी बदलाव खून बहाकर नहीं चाहिए, हम संवैधानिक तरीके से, कलम की ताकत से, मानवीय तरीके से अपने अधिकार चाहते हैं। और हमें अन्याय के खिलाफ जिस तरह की एकजुटता दिखाई है बहुजन समाज ने, आने वाले समय में सबको अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आपने जिस तरह का सॉलिडारिटी दिखाई है, जिस तरह का समर्थन दिखाया है लखवीर सिंह के लिए, परिवार के लिए, वो शानदार है, सलाम है। और अगर आप ये नहीं दिखाते तो आरोपियों की इतनी जल्दी गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि पुलिस के रवैया से हम सब वाकिफ हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के टीवी और अखबार के बहकावे में नहीं आइए, वो जब जब आपको अपना दिखता है वो बड़ा खेल करता है। एक और बात, मैंने राकेश टिकैत का इंटरव्यू किया है तमाम मुद्दों पर, कल मैं उसको लगाऊंगा,
मैं आरक्षण के मुद्दे पर जो मेरा क्लिप जो वायरल किया जा रहा है उसके बारे में कह दूं, वो फॉर बातचीत हुई है मेरा उनसे, लेकिन आज भी 80% से ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो ओबीसी कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल ट्राइब में, उन बच्चों से बात कीजिए आरक्षण को लेकर, तो उनकी नॉलेज सीमित होती है। आरक्षण की समझ तब बनती है जब आप पीएचडी करते हैं। तो राकेश टिकैत को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, मुझे पता है वो खुद ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इसी देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो ओबीसी कैटेगरी में है, एससी कैटेगरी में है, शेड्यूल ट्राइब में है, सुदामा कोटा छोड़ दीजिए, नौकरी लगता है आरक्षण से और मिठाई चढ़ता है कहीं और, पता है आप लोगों को। इसलिए सिर्फ राकेश टिकैत को दोषी मत ठहराइए, आरक्षण को लेकर बात करनी पड़ेगी। ओबीसी का बड़ा तबका आरक्षण के खिलाफ खड़ा होता है, तो हमें अपनी कमजोरियों को भी देखना है, उसको दुरुस्त करना है, लेकिन हमें एकजुट रहना है। क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, नुकसान के डर से ईमान की बात करना नहीं छोड़ूंगा। मैं आपका पत्रकार हूं, मैं संविधान के साथ हूं, मैं इस मुल्क के साथ हूं, मैं इंसानियत के साथ हूं, मैं पीड़ित के साथ हूं, चाहे इससे मुझे इसकी कीमत मुझे कुछ भी चुकानी पड़े। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।